एक बार एक विदेशी कुत्ता, विदेश से कुत्ता अपने देश भारत में आया। तो अब कल्पना है, आया होगा तो हवाई जहाज से उतरा होगा कि नहीं उतरा, तो जैसी की परंपरा है हर एक अपने समाज के प्राणी को हर कोई चाहता है, तो यहाँ के कुत्ते स्वागत के लिए गए। वो उतरा, कुत्तों में जैसा होता है पूंछ हिलाकर, उधर से आए तो उसने पूंछ हिलाई, यहाँ वालों ने हिलाई। यहाँ के कुत्तों ने कहा कि आपके चरण स्पर्श से धरती धन्य हो गई। कुत्तों के भी चरण स्पर्श से धरती धन्य हो जाती अगर वो विदेशी हो तो। आप कहाँ रहने, कहाँ कहाँ घूमने का विचार है, कहाँ कहाँ जाएंगे ताकि व्यवस्था वहां वहां की जाए वैसी? बोला कहाँ कहाँ, अब तो यहीं रहेंगे, यहीं यहीं बसेंगे, यहीं की नागरिकता, यहीं यहीं रहेंगे। तो यहाँ वाले को तू आ रहे, बोले तो बड़ी खुशी की बात, मन से बोले काहे को, यहाँ तो हम ही काफी हैं, तुम काहे को। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा दिखता है, तो जहाँ जिस देश से आए क्या वहाँ खाने पीने की सुविधा? अरे यहाँ से बहुत अच्छी सुविधा खाने पीने की, वहाँ जलवायु क्या कहने, वहाँ का जलवायु बहुत अच्छा। कहा जब तुम्हारे वहाँ सब कुछ अच्छा है तो यहीं क्यों रहना चाहते हो? बोला एक कारण है। क्या? बोले खाने पीने को वहाँ अच्छा, जलवायु वहाँ अच्छा, फिर यहाँ क्यों रहना चाहते? बोले एक ही कारण है। क्या? बोले भौंकने की उतनी सुविधा वहाँ नहीं है जितनी यहाँ। जो मन में आए जो समझ में आवे, इन राजाओं से धनुष तो हिला नहीं, काम तो इतना बनता नहीं। ले उछुड़ा सी सीता जी को छुड़ा लो, पकड़कर दोनों भाइयों को बांध लो, जनक जी सहायता करें तो उनको भी युद्ध में जीत लो, वहीं बैठे रहे, हिले तक नहीं अपनी जगह से। अच्छा छीनने की वृत्ति क्यों आई? छुड़ा लो, कर्तव्य का पालन करें तो उपलब्धि होती ही है। कर्तव्य का पालन जिनसे नहीं होता वो छीनने की वृत्ति आ जाती है, ऐसे छीनो इसे छुड़ा लो ऐसे। अब राम जी तो चुप, लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। भूप वचन सुन इत उत तक कहीं, राजाओं की बात सुनकर कभी लक्ष्मण जी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, इधर उधर इसलिए देखते हैं कि किधर से आवाज आ रही, कौन है, पर वो दिखे नहीं, हल्ला मचे बस इधर। लेकिन लखन राम डर बोल न सकहीं, लक्ष्मण जी को राम जी का डर है, वो बोलते नहीं हैं कि राम जी फिर कहेंगे कि ये राम जी, राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा तक नहीं, कि अगर इशारा कर देंगे तो यहां दीप दीप के भूपति इकट्ठे हैं, ये तो कितना बड़ा युद्ध होगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, इतने लोग इकट्ठे हैं, तो युद्ध को टालना चाहिए, युद्ध के परिणाम बुरे होते हैं। राम जी इसलिए नहीं देखते, शांति रहे, हम शांति प्रिय हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि सो तो ठीक है, युद्ध तो हम भी नहीं चाहते, शांति प्रिय होना ही चाहिए, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि जिसके जो मन में आए सो कहे, जो करना हो सो करे, हम शांति प्रिय हैं। हमारी इस महानता को कोई मजबूरी समझे तो ठीक नहीं है।